नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आए हैं आपके सामने लेकर अपना नया वीडियो। और ये वीडियो बनाया है हमने यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स सेक्टर 18 के, काफ़ी फेमस जो सेक्टर हैं IJ सेक्टर और 7A, इनके ऊपर बनाया है। तो लगभग 2 साल बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पॉकेट 7A और पॉकेट आई के ऊपर। जे के ऊपर हम इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करेंगे, वो पॉकेट जे के ऊपर है। तो मैं बता दूं, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। हमारे चैनल के पेज के ऊपर आपको हमारे पुराने सारे वीडियोस मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी हम यमुना एक्सप्रेसवे से जा रहे हैं पॉकेट IJ7A की तरफ। चलिए देखते हैं, ग्राउंड से जो हमने रिपोर्टिंग की थी उसको लाइव देखते हैं। ये हम खड़े हैं यमुना एक्सप्रेसवे के बिल्कुल बराबर में, और ये जो बोर्ड देख रहा है आपको, ये बोर्ड जाता है पूरा सेक्टर 18 के अंदर। रोड है ये, लगभग 30 मीटर का रोड है, और ये यमुना एक्सप्रेसवे है। आगे हम जाते हैं गौर सिटी आगरा की तरफ, और पीछे से हम आ रहे हैं ग्रेटर नोएडा की तरफ। तो दोस्तों, ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड सीधा पॉकेट 7A और आई और जे पॉकेट को कनेक्ट करता है। और आज हम लगभग 2 साल बाद फिर से वीडियो बना रहे हैं पॉकेट IJ7A के ऊपर। और बिल्कुल शुरुआत करेंगे, आपको दिखाएंगे बिल्कुल बेसिक चीज़ों से, इन प्लॉट्स के बारे में बताएंगे। ये प्लॉट्स 2009 में अलॉट हुए थे IJ में, लगभग 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं। और इसके किनारे वाले जो पॉकेट्स हैं वो भी आज की डेट में डेवलप हो चुके हैं। पॉकेट 1A है, 1B है, 5A है। तो आइए, और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, और ले चलते हैं आपको 7A पॉकेट की तरफ। सबसे पहले 7A पड़ेगा। तो ये हम उसी रोड से चलते हुए सीधे अब आ गए हैं, आपको दिखा रहे हैं 7A पॉकेट के बिल्कुल पास। और सामने जो आप टंकी देख रहे हैं वो आई और जे की है। और ये आपको सबसे पहले 7A का कॉर्नर प्लॉट आपको दिखा रहे हैं। 7A में अभी काफ़ी काम हो गया है शुरू के प्लॉट्स में। ये आपको दिखा रहे हैं 7A पॉकेट। ये बहुत ही प्रीमियम पॉकेट है, ये बिल्कुल किनारे वाले प्लॉट्स हैं, और ये रोड सीधा आई और जे को जाता है। तो आज की डेट में हम जो ये वीडियो बनाएंगे, ये आपको दिखाएंगे। पिछला वीडियो हमने 2 साल पहले बनाया था, जैसा मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे कितना डेवलपमेंट हो गया है इन पॉकेट्स में, 7A, आई और जे में, क्योंकि दो साल में क्या कुछ चेंज हो गया, ये हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे तो हम रोज़ आते रहते हैं, लेकिन वीडियो आपको दिखा रहे हैं आई और जे का लगभग 2 साल के बाद। 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं ये। 4750 इनका अलॉटमेंट प्राइस था 2009 में। इनमें फिर एक एडिशनल फार्मर कंपनसेशन भी आया था दोस्तों, जो लगभग 1330 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से था। और इसमें जो टोटल कॉस्ट पड़ी थी 300 मीटर की, 14,25,000 प्लस फार्मर कंपनसेशन का लगभग 4 लाख, तो आपको लगभग 18.25 लाख के करीब इनका इनिशियल प्राइस था। आज हम बात कर रहे हैं ये अगस्त 2021 में, और इनका प्राइस आज की डेट में इन प्लॉट्स का, जो पर्टिकुलर ये वाले पॉकेट्स हैं जो डेवलप हो गए हैं, जिनमें स्ट्रीट लाइट पोल्स वगैरह हैं, इनमें इनका प्राइस लगभग, कम से कम मैं बता रहा हूँ, 65-70 लाख कम से कम इन 300 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स का प्राइस है। आइए आपको दिखाते हैं क्या डेवलपमेंट हुआ है पॉकेट आई और जे में। दोस्तों, थोड़ा और आगे आके मैंने ये 7A का एक छोटा सा क्लिप आपके लिए बनाया है, कि आगे जाके थोड़ा सा और डेवलपमेंट हमें दिखाई देता है। साथ में दूर आपको कैंप ऑफिस दिखाई दे रहा है। तो ये एक और शॉट 7A के प्लॉट्स का, 300 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स, ये आप देख सकते हैं प्लॉट का डेवलपमेंट। ये बिल्कुल रोड पे लगते हुए प्लॉट्स हैं 300 स्क्वायर मीटर के, बिल्कुल रोड पर लगते हुए बहुत ही प्रीमियम प्लॉट्स। तो आइए आपको ले चलते हैं आई और जे की तरफ।
तो दोस्तों ये है पॉकेट आई, हम आगे हैं इस रोड पर चलते हुए आगे। पॉकेट आई का आप देख रहे हैं डेवलपमेंट, और ये जो रोड जाता है सीधा पॉकेट जे को जाता है। पॉकेट आई और जे शुरुआत में सेक्टर 20 में होते थे, और ये शिफ्ट हुए थे परसौल के पास से सेक्टर 20 से सेक्टर 18 में। और सबसे पहले इनमें डेवलपमेंट हुआ था 2019 में, ये प्लॉट डेवलप हो गए थे। डेवलपमेंट के अंदर इनमें स्ट्रीट लाइट, सड़कें, सीवर, ड्रेनेज, वाटर पाइपलाइंस, इन सभी का काम हुआ है। प्लांटेशन भी किनारे पे कर दी है। और ये रोड जो है ये मेन रोड है जो अब पॉकेट आई के प्लॉट्स के साथ लगती हुई है। आगे पॉकेट जे है, सबसे वैल्यूएबल प्लॉट जाने जाते हैं क्योंकि इनका डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया था। और इस पॉकेट आई और जे के अंदर तीन चार मकान ऐसे हैं आज की डेट में अगस्त में जिनमें कंप्लीशन का काम चल रहा है, दो प्लॉट्स में कंप्लीट भी हो गया है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो प्लान कर रहे हैं इसमें अपना कंप्लीशन का काम करने का। तो आइए दोस्तों एक डिफरेंट एंगल से आपको दिखाते हैं और नॉलेज शेयर करते हैं पॉकेट आई और जे के प्लॉट्स की। दोस्तों ये वही रोड है जहाँ से हमने पिछला शॉट लिया था, और ये आई से आ रही है, और ये जो आपको दिख रहा है ये पॉकेट जे है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पॉकेट जे। पीछे पार्क की बाउंड्री वॉल है, और ये आपको दिखा रहे हैं प्लॉट नंबर 55-56 यहाँ पे। और सबसे बढ़िया बात है डेवलपमेंट वाले केस में ये जो पॉकेट्स हैं काफ़ी आगे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे पार्क और उसकी बाउंड्री। आइए आपको क्लोज लुक दिखाते हैं पार्क का। ये दोस्तों दूसरे एंगल से मैं दिखा रहा हूँ आपको, प्लॉट नंबर भी दिखाई दे रहे हैं 578B। ये कैंप प्रोजेक्ट टीम का जो कैंप ऑफिस है, साइट ऑफिस है, वो आपको दिख रहा है। और मैं बेसिकली इस एंगल पर आपको लाया हूँ कुछ खास चीज़ दिखाने, और वो है अथॉरिटी का डेवलपमेंट। बहुत ही कम पॉकेट ऐसे हैं जिनके अंदर अथॉरिटी का ये काम पार्क के लिए किया गया है। ये पॉकेट जे है जिसको लिवेबल बनाया गया है। यहाँ पे लगभग सारी सुविधाएं आपकी हैं। यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट के पोल्स हैं, सड़कें हैं, वाटर पाइपलाइन, सीवर, वाटर टैंक, और अभी आप देख रहे हैं कि जो पार्क का लैंड है इसकी चार दीवारी, ये अथॉरिटी द्वारा किया गया कार्य है। तो ये है पॉकेट जे सेक्टर 18 का जो सेक्टर 20 से शिफ्ट हुआ था। और यहाँ पे आप जो डेवलपमेंट देख रहे हैं इसमें ये पॉकेट जे का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया गया। बीच में एक सेंट्रल पार्क है काफ़ी बड़ा, उसका डेवलपमेंट आप देख रहे हैं। आइए आपको और डिफरेंट एंगल से हम दिखाते हैं पॉकेट जे का क्या डेवलपमेंट। ये दोस्तों एक डिफरेंट एंगल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्लॉटेड डेवलपमेंट है और इधर साइड में प्लॉट्स हैं। तो ये आपको पार्क की बाउंड्री मैंने दिखाई ही थी, उसके बिल्कुल ये पार्क फेसिंग प्लॉट्स हैं। लाइन नंबर 600 से 591 बोर्ड आप देख सकते हैं पॉकेट जे का। और ये देखिए प्लॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे प्लॉट्स पॉकेट जे के। आइए आगे देखते हैं, ये एक डिफरेंट एंगल से हम आपको व्यू दिखा रहे हैं प्लॉट्स का। ये 12 मीटर रोड है और यहाँ पे प्लॉटिंग डिमार्केशन आपको दिखाई दे रहा है, सीवर पत्थर लगे हुए हैं पूरे। ये है पॉकेट जे आज की डेट में। आइए और दिखाते हैं, ये हम पॉकेट जे में ही जो दूसरा पार्क का डेवलपमेंट है, ये छोटा पार्क है आपको दिखा रहे हैं। ये भी अथॉरिटी ने चारों तरफ बाउंड्री करके इस पार्क को कवर किया है। अभी लेवलिंग नहीं करी है तो पार्क की बाउंड्री तो कर दी है, लेकिन अंदर का जो पार्क का डेवलपमेंट है वो पेंडिंग है। और ये प्लॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बारिश का महीना है, अगस्त है, तो आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, इनमें कुछ कीड़े वगैरह भी हो सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन आपको क्लियर दिखाई दे रहा है पॉकेट जे, ये 663 वाली लाइन के प्लॉट्स हैं इधर से, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। उधर बोर्ड भी आपको दिखाई देंगे, डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, प्लॉटेड डेवलपमेंट पॉकेट जे का आप देख पा रहे हैं दोस्तों।
तो दोस्तों आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप किसी भी यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स 300, 500, 1000, 2000, 4000 मीटर की सेल परचेज़ के लिए, रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की सेल परचेज़ के लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आप थैंक यू बोलना चाहें तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ्यूचर में सिमिलर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और अगर कोई कमेंट करना चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं, हम अपने सभी कमेंट्स का आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।